दुखभंजनी पेड़ी यानी अमृत सरोवर बारे कोई ही होगा जो नहीं जानता होगा। चलो जानने की कोशिश करते हाँ कि यदा नाम दुखभंजनी पेड़ी क्यों है तो ये पिछे की कथा की है। एक कथा है 1576 ईस्वी की, जो तो एक राजा जिसका नाम दुनी चंद सी उन्होंने अपने पैसे ते अपनी ताकत उत्ते बहुत घमंड सी। एक दिन अहंकार वंश उन्हें अपनी पंजा तियां नूं पुछया कि तुसी ए दसो कि तुहानूं रोटी कौन खवांदा है। चार तियां ते पिओ दे डर दे मारे कहन लगियां, पिता जी असी सिर्फ तुहाडी दित्ती हुई ही खाने हाँ। पर पंजवीं ती जिहदा नाम बीबी रजनी सी वह बहुत ही संतोख सबर वाली औरत सी। उन्हें कहा, मैं तो सिर्फ परमात्मा का दिता हुआ ही खानी हाँ। यह सुन के उस राजा नूं गुस्सा आ गया ते उन्हें अपनी धी का विआह एक कौड़े नाल कराउण दा सोचा, क्योंकि वह देखना चाहता सी और अपनी धी नूं दसना चाहता सी कि देख परमात्मा तेरा किवें साथ देंदे है। इस करके उन्हें अपनी धी का विआह एक कौड़े नाल करवा दिता। पर बीबी रजनी भी बड़ी संतोख सबर वाली औरत सी, उन्हें भी उस कौड़ी नूं अपना पति स्वीकार कर लिया। दुनी चंद ने भी अपनी धी ते जवाई नूं विआह तो बाद घरों बाहर कढ दिता। हुण उह बेचारी बीबी रजनी नूं ते उहदे पति नूं लोकां उत्ते रोटी लई निर्भर होना पै गया। हुण उह अपने पति नूं लै के एक बग्गी विच जगह जगह जाके ढूंढदी ते खाण लई मंगदी। एक वारी दी गल है जदों बीबी रजनी अपने पति नूं बेरी दे रुख हेठां बिठा के कोल दे पिंड विचों लंगर लैण चली गई। जदों बीबी रजनी दा पति कल्ला बैठिया सी ते उहदी नज़र रुख दे कोल वगते हुए सरोवर ते पई, जिहदे विच उहने वेख्या कि काले कां डुब्बी लगांदे है ते हंस वखन चिट्टे होके बाहर निकल रहे सन। इह देख के उहने भी सोचा कि जे मैं भी इस सरोवर विच डुब्बी लावां ते शायद मेरा भी को ठीक हो जाए। वह बग्गी विचों उतर के हौली हौली रेंगदा होया उस सरोवर च उतरिया ते अपने आप नूं सरोवर दे विच डुबो दिता। पर उहने अपना एक अंगूठा डुब्बण नूं दिता, क्योंकि उह जानदा सी कि उहदी वोटी उस गल ते यकीन नहीं करेगी। जदों सरोवर तों बाहर आया ते उहदा शरीर तां कोड़ बिल्कुल खत्म हो चुका सी ते हुण इह बिल्कुल सुंदर सडोल गब्बू जवान बन चुका सी। इह वेख के उह बहुत खुश होया ते उहने परमात्मा दा शुकराना भी किया। वह वापस उस बग्गी विच जाके बैठ गया जिथे उहदी वोटी उन्नू बिठा के गई सी। जदों बीबी रजनी पिंड विच लंगर लैके वापस आई तो उन्हें एक कोड़ी की जगह एक आदमी नूं देखिया जो कि बड़ा सोहना ते जवान सी। उन्हें देख के वह पूछन लगी कि मेरा पति कित्थे है, तां उहने दस्सिया कि मैं ही तेरा पति हाँ। पर बीबी रजनी नूं उहदी गल ते यकीन नहीं सी आ रहा। तद उन्हें अपना अंगूठा विखाते हुए कहा, मैनूं पता सी तैनूं मेरी गल ते यकीन नहीं होवेगा, इसलिए मैं अपना अंगूठा बाहर ही रखिया सी। यह देख हुण मैं तेरे सामने इस अंगूठे दे इस चमत्कारी सरोवर विच डुबोवांगा ते देखी इहदा को ठीक हो जाएगा। इस चमत्कार नूं देख के बीबी रजनी भी बहुत खुश हुई ते उहने भी अपने परमात्मा दा शुकराना किया। जिस रुख हेठां बैठ के बीबी रजनी दे पति ने सरोवर विच इशनान किया सी वह कोई होर जगह नहीं बल्कि गुरुआं दी नगरी अमृतसर विच हरिमंदर साहिब विच स्थित दुखभंजनी बेरी है। इस सरोवर का नाम अमृत सरोवर है। यह दुखभंजनी बेरी हरिमंदर साहब के पूर्वी गलियारे में स्थित है। यह बहुत ही पवित्र स्थान है। इत्थे मन्या जाता है कि हर साल लखा श्रद्धालु इस अमृत सरोवर में इशनान करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं के दुख इस अमृत सरोवर में आके इशनान करके दूर भी हुए हैं। लोग देश विदेश तो आके इस बेरी के दर्शन करने आते हैं। जेकर तुसी भी इस बेरी के दर्शन किए हैं या इहदे विच इशनान किया है या तुहानूं इहदे बारे पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दसो तो वाहेगुरु जी लिख के जरूर जाना। तुहानूं मेरी वीडियो किहो जी लगती है मैनूं कमेंट करके जरूर दस्या करो। तो जे तुसी मेरे चैनल नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है तो कर लो ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहाडे तक आती रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।